तो मैंने अभी तक आपको क्या बताया, मैंने आपको डॉट कन्वेंशन समझाया, मैंने आपको करंट और वोल्टेज का रेशियो बताया, ठीक है। तो चलिए ट्रांसफॉर्मर की पहली एप्लीकेशन पे आते हैं। जो मैंने पहली एप्लीकेशन लिखवाई थी, क्या लिखवाई थी वो? स्टेपिंग अप एंड स्टेपिंग डाउन फॉर करंट वोल्टेज, इसी के लिए था। और पावर क्या रहती है? सेम। इसका मतलब क्या है जरा देखिए, ट्रांसफॉर्मर कैसे यूज होता है। पावर सेम होगी ट्रांसफॉर्मर की, ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग वीए में होती है। आपको बताऊंगा क्यों, वीए में रेटिंग होती है। जैसे 12 वीए का ट्रांसफॉर्मर, वीए का मतलब वोल्ट एम्पियर, ये पावर होती है, इसको बोलते हैं अपेरेंट पावर। अपेरेंट पावर, इसको अपेरेंट पावर बोलते हैं। इसकी रेटिंग अपेरेंट पावर में होती है ट्रांसफॉर्मर की। जैसे कुछ कुछ चीजों जैसे बल्ब की रेटिंग वोट में होती है, मोटर की रेटिंग किलो वोट में होती है, वोट में होती है, ठीक है। जितने भी एसी जनरेटर होते हैं सबकी वीए केवीए में होती है, ठीक है। ऐसे ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग वीए में होती है। इसका रीजन हम देखेंगे बाद में, अभी बताऊंगा तो थोड़ी जल्दबाजी हो जाएगी, ठीक है। इसका रीजन देखेंगे, क्या रीजन है इसका, वीए में क्यों होती है। इसका मतलब है, वीए का मतलब वोल्ट इंटू एम्पियर। इसका मतलब जो प्राइमरी साइड वोल्टेज और करंट का जो प्रोडक्ट होगा वो 12 होगा, और सेकेंडरी साइड कितना होगा? 12 होगा। प्राइमरी साइड वीए वोल्टेज और करंट का जो प्रोडक्ट आना चाहिए वो कितना आना चाहिए? 12 है। और सेकेंडरी साइड कितना आना चाहिए? 12। इसका ये मतलब होता है। इसकी रेटिंग होती है, रेटिंग, ये इसकी रेटिंग है। जैसे मान लीजिए ये 220 वोल्ट का है, मान लीजिए 220 वोल्ट इधर है और 12 वोल्ट इधर है। इसका मतलब यहां पे जो रेटेड करंट है वो क्या होगा? रेटेड करंट का मतलब फुल लोड करंट, वो कितना होगा? जरा देखो यहां पे वोल्ट एम्पियर कितना है? 12 है, और वोल्टेज है 12, तो वोल्ट एम्पियर इज इक्वल टू 12 वोल्ट इंटू आई एम्पियर, आई रेटेड, ये रेटेड करंट निकलेगा। मतलब मैक्सिमम, मैक्सिमम नहीं, इसको क्या बोलते हैं? फुल लोड करंट। मैक्सिमम तो इससे ज्यादा भी हो सकता है, थोड़ा बहुत ज्यादा हो सकता है, ठीक है। तो जरा देखिए, तो रेटेड करंट कितना आएगा, फुल लोड करंट कितना आएगा बताओ, रेटिंग के अकॉर्डिंग, वीए रेटिंग के अकॉर्डिंग कितना आएगा बताओ, आई की वैल्यू क्या आएगी? 1 एम्पियर। मतलब ये 1 एम्पियर तक का करंट दे सकता है। अगर आप 12 वोल्ट मेंटेन रखना चाहते हो तो, अगर 12 वोल्ट मेंटेन रखना चाहते हो तो ये 1 एम्पियर तक का करंट देगा, क्योंकि इसकी रेटिंग कितनी है? वीए 12 वीए, ठीक है। अच्छा 220 से लेगा कितना? 12 वीए पावर तो उतनी लेगा जितनी 12 वीए आउटपुट दिए, 12 वीए की 12 वीए इधर भी लेगा, तो बताओ इधर से करंट कितना लेगा बताओ? 12 डिवाइड बाय 220 कितना आएगा? 0.054। मतलब यहां से आएगा 0.054 एम्पीयर। इधर से रेटेड करंट, प्राइमरी साइड रेटेड करंट 0.045 एम्पीयर, और सेकेंडरी साइड कितने है? 1 एम्पीयर। मतलब जो वीए रेटिंग होती है ट्रांसफॉर्मर की, वो डिसाइड करती है कि प्राइमरी साइड कितना करंट होगा और सेकेंडरी साइड करंट कितना होगा, वोल्टेज और करंट के बराबर, ठीक है। बिकॉज़ वो प्रोडक्ट होना चाहिए वो इसकी वीए रेटिंग के बराबर होना चाहिए एट रेटेड कंडीशन, बिकॉज़ रेटेड कंडीशन में ऐसा इतना करंट जाएगा, ठीक है। 1 एम्पीयर से ज्यादा करंट ये 12 वोल्ट पे तो नहीं देगा। क्यों? मान लीजिए 12 वोल्ट मेंटेन रखना चाहते हो और आप 2 एम्पीयर ले लो, तो इससे वीए कितना हो जाएगा? 24 तो हो ही नहीं सकता ना, इससे ज्यादा ये जाने नहीं देगा, 12 वीए से ज्यादा जाने नहीं देगा, ठीक है। इसका वायर लिमिट करेगा, उसको रोक देगा इसका वायर, वो बताऊंगा कैसे रोकेगा वायर, ठीक है। फिलहाल ये कितना दे सकता है ज्यादा ज्यादा करंट? 1 एम्पीयर 12 वोल्ट पे। अगर आप 12 वोल्ट चाहते हो तो ज्यादा ज्यादा 1 एम्पीयर तक इसे ले सकते हो। समझ आया यहां तक? अब सुनिए, मैक्सिमम करंट इससे ज्यादा हो सकता है। करंट की रेटिंग तो आप ज्यादा करंट ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन थोड़ा बहुत ड्रॉ कर सकते हो, बिकॉज मे बी अगर ज्यादा करंट ड्रॉ करने की कोशिश करोगे थोड़ा बहुत दे देगा, ज्यादा मैक्सिमम ज्यादा दे सकता है, और ज्यादा दे सकता है, बट ये रेटेड करंट होता है, ये फुल लोड करंट इसको बोलते हैं, ठीक है। फुल लोड करंट मतलब फुल लोड भी ये है, मैक्सिमम करंट थोड़ा बहुत ज्यादा हो सकता है, बिकॉज कुछ लिमिटेशंस होती है, ज्यादा इससे ज्यादा करंट लगे तो थोड़ी बहुत वोल्टेज डाउन हो जाएगी, ठीक है। बट ये प्रोडक्ट जो रहेगा वो ऑलवेज कितना रहेगा? 12 पे रहेगा। जनरली हम मैक्स को नहीं देखते ट्रांसफॉर्मर में, हम लोग रेटेड तक ही देखते हैं बस, कि करंट मेरा रेटेड तक कितना देगा। रेटेड करंट कितना होगा बताओ? 12 वोल्ट पे रेटेड करंट कितना होगा? डिवाइड कर दो बस, 1 एम्पीयर। रेटेड वोल्टेज है 12, रेटेड करंट है 1, और रेटेड वीए रेटिंग कितनी है इसकी? 12 एम्पीयर, ठीक है। इसका ये मतलब होता है, फुल लोड का मतलब होता है रेटेड लोड, जिसपे वो डिजाइन हुआ है, जिसपे वो डिजाइन हुआ है,
ठीक है, ट्रांसफॉर्मर, जैसे मैंने मोटा वायर लगा दिया, मोटा वायर है, वो वायर है मान लीजिए 12 एम्पीयर तक का या 10 एम्पीयर तक का करंट दे सकता है, इसका मतलब उस ट्रांसफॉर्मर की जो आउटपुट की रेटिंग है वो 10 एम्पीयर हो सकती है मैक्सिमम। नहीं समझे, मतलब वो रेटेड करंट उसका कितना है 10 एम्पीयर, क्योंकि जो वायर आपने लगाया सेकेंडरी साइड, उस वायर की जो रेटिंग है करंट फ्लो होने की, वो वायर जो है वो 10 एम्पीयर तक के करंट को झेल सकता है। वायर अगर पतला कर दिया तो ज्यादा करंट को नहीं झेल सकता, उसका रेजिस्टेंस इतना ज्यादा हो जाएगा कि ज्यादा करंट लिया तो लॉस हो जाएगा उसके अंदर, जल जाएगा। नहीं समझिए, तो बेसिकली वायर की मोटाई के अकॉर्डिंग, क्या कितना मोटा वायर है उसके अकॉर्डिंग ये करंट डिसाइड होता है, समझा? तो खैर यहाँ पे ये रेटेड करंट कितना आएगा, अगर 12 वोल्ट आप चाहते हो और 12 एम्पीयर का ट्रांसफॉर्मर है तो करंट कितना आएगा 1 एम्पीयर। जैसे कि आप देखिए इस ट्रांसफॉर्मर के, इस ट्रांसफॉर्मर के सेकेंडरी साइड क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका 12 वोल्ट 1 एम्पीयर, इसका मतलब सेकेंडरी साइड कितनी आउटपुट देगा, ये 12 वोल्ट देगा और करंट रेटेड कितना देगा, इसका मतलब कितने वीए का है 12 वीए का है। अगर मैं एक और ट्रांसफॉर्मर ले लूं जो सेम यही काम कर रहा है, सेम यही काम कर रहा है, मतलब 220 से 12 ही डाउन कर रहा है, बट उसकी वीए रेटिंग अलग है, वो है मान लीजिए 220 वीए का, ठीक है 220 वीए का। अब आप बताओ यहां से रेटेड करंट कितना जा सकता है, रेटेड करंट कितना जाता है, इसकी वीए रेटिंग कितनी है 220 वीए, तो 220 डिवाइड बाय 12 कितना आया 18.33 एम्पीयर इधर जा सकता है। मतलब इसका सेकेंडरी साइड जो होगी वो मोटा वायर लगा हुआ है इसमें, तभी तो 18 एम्पीयर जा सकता है मोटे वायर से, पतले वायर से 18 एम्पीयर नहीं जाएगा, बिकॉज पतला वायर तो 18 एम्पीयर पे चल जाएगा, उसका रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, पतले जितना पतला वायर होता है उतना ही उसका रेजिस्टेंस क्या होता है ज्यादा, बिकॉज प्रोसेसिंग एरिया कम होगा ना, तो क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा है अगर आप उससे ज्यादा करंट लेने की कोशिश करोगे तो आई स्क्वायर आर लॉस इतने ज्यादा हो जाएंगे कि वो जल जाएगा ट्रांसफॉर्मर। इसका मतलब जो ट्रांसफॉर्मर के अंदर ओमिक लॉस होते हैं वो किसको लिमिट करते हैं, करंट को, समझाया? जो ओमिक लॉस होते हैं ट्रांसफॉर्मर के अंदर वो करंट को लिमिट करते हैं, मतलब ट्रांसफॉर्मर का हमने बोल दिया भाई इतना ओमिक लॉस होना चाहिए बस, इससे ज्यादा ओमिक लॉस नहीं होना चाहिए। इसका मतलब बेसिकली इनडायरेक्टली हम क्या बता रहे हैं, हम करंट रेटिंग बता रहे हैं, इससे ज्यादा करंट इस वायर में होना नहीं चाहिए। नहीं समझे, तो ओमिक लॉस करंट को लिमिट करते हैं, ठीक है ध्यान रखिएगा। वायर आप ऐसे नहीं कि कोई भी करंट ले लोगे, ये रेटेड करंट बस इतना ही देगा, इससे ज्यादा करंट लेने की कोशिश करोगे गर्म हो जाएगा, ज्यादा ओमिक लॉस ज्यादा हो जाएंगे और क्या पता वायर जल जाए, ठीक है, क्योंकि जो वायर की मोटाई है वो इसके अकॉर्डिंग डिजाइन की गई है। तो जरा देखो वोल्टेज रेटिंग सेम है, बस वीए का फर्क है, तो वीए के फर्क होने से क्या फर्क पड़ता है, ये फर्क पड़ता है आप 18, अच्छा इधर कितना करंट आएगा बताओ, इधर वीए तो दोनों तरफ सेम रहती है, वीए का मतलब पावर, पावर दोनों तरफ सेम रहती है, तो इधर इधर से रेटेड करंट कितना आएगा 1 एम्पीयर, इधर से रेटेड करंट आएगा 1 एम्पीयर, करेक्ट है अभी, चलिए आप ये ध्यान रखिएगा, ठीक है आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको क्या बताया अभी तक, इसके बेसिस पे मैं डिफाइन करूंगा, जो मैंने तो वो लगाए थे, दो याद है, चलो मैं बता ही देता हूं, चलो देखो मैंने आपको बताया कि मैंने दो एक एक्सपेरिमेंट दिखाया था अभी थोड़ी देर पहले, मैंने बोला 12 वीए के ट्रांसफॉर्मर लगे, दो ट्रांसफॉर्मर लगाया मैंने 12 वीए, ठीक है, और वो इस तरह से लगा दिया 12 वोल्ट से 220 वोल्ट, ये भी 12 वीए का है, जरा देखो इस तरह का कनेक्शन किया, ये भी 12 वीए का था, ये भी 12 वीए का था, और यहां पे मैंने 60 वोल्ट का बल्ब लगाया, 60 वोल्ट 220 वोल्ट। इस बल्ब का रेटिंग का क्या मतलब होता है, जैसे बल्ब की रेटिंग है 60 वोल्ट और 220 वोल्ट पे, इसका मतलब है इसको 220 वोल्ट के अक्रॉस जब मैं लगाऊंगा तो ये 60 वोल्ट खर्च करेगा, और अगर ये 60 वोल्ट खर्च करेगा तो ये फुल ब्राइटनेस पे होगा, समझ आया? लेकिन 60 वोल्ट आने के लिए इसको करंट कितना चाहिए बताइए, V square by R should be equal to 60 होना चाहिए, ठीक है? अब V की वैल्यू कितनी है इसकी? 220 का स्क्वायर डिवाइड बाय, और RMS होता ही है, और ये भी RMS वैल्यू होती है, तो RMS का स्क्वायर डिवाइड बाय R is equal to 60, तो R की वैल्यू क्या आएगी? 806 ओम। इसका रेजिस्टेंस है 806 ओम।
बिकॉज ये 220 वोल्ट पे 600 वोट खर्च करता है, इसका रेजिस्टेंस है 806 ओम। तो बताओ करंट कितना आएगा फिर अगर 806 ओम है और ये फुल ब्राइटनेस पे चल रहा है, मान लीजिए फुल ब्राइटनेस पे चल रहा है, इसका मतलब 60 वोट खर्च कर रहा है, तो आप बताइए करंट कितना आएगा, 220 वोल्ट और 806 ओम है, करंट कितना आएगा 0.274 एंपियर। इसका मतलब इसको 220 वोल्ट पे फुल ब्राइटनेस पे चलने के लिए कितना करंट चाहिए, 60 वोट खर्च करने के लिए कितना करंट चाहिए 220 वोल्ट पे 60 वोट खर्च करने के लिए कितना करंट चाहिए 12 वी। ये ट्रांसफार्मर तो केवल 12 वीए को अलाउ करेगा, इसका मतलब यहां पे 12 वीए जा सकता है, पावर इतनी जा सकती है, तो आप बताओ करंट यहां से कितना जाएगा, अगर 12 वीए यहां पे इनपुट हो रही है तो 12 डिवाइड बाय 220.054 और इधर कितना आएगा 1 एंपियर, इसमें भी 1 एंपियर एंटर कर जाएगा क्योंकि ये भी तो 12 वीए का है, तो 12 वोल्ट इधर है तो 1 एंपियर इधर से एंटर करेगा। अब इधर से लीक कितना करेगा बताओ, करंट 220 वोल्ट आ जाएगी यहां पे बट करंट कितना लीक करेगा, मैक्सिमम मतलब रेटेड करंट कितना लीक करेगा 0.054, लेकिन चाहिए कितना इसको फुल ब्राइटनेस के लिए 0.27। ये तो बिल्कुल ही नेग्लिजिबल है, कितने टाइम्स हायर है ये बताओ, कितने टाइम्स हायर है, अराउंड 50 टाइम्स हायर, 50 टाइम्स हायर करंट चाहिए इसको, जबकि यहां पर करंट है ही नहीं, बिल्कुल ही कम है, तो बल्ब जलेगा क्या, बल्ब नहीं जलेगा, बेसिक वोल्टेज 220 है बट बल्ब को जलने के लिए चाहिए करंट, अब करंट यहां पे अवेलेबल ही नहीं है, समझे, तो ये बल्ब नहीं जलेगा। लेकिन दूसरे सिचुएशन में, दूसरी सिचुएशन में मैंने वीए रेटिंग बदल दी, मैंने वीए रेटिंग 220 वीए कर दी, 220 वीए कर दी। अब सुनिए यहां से करंट कितना एंटर होगा, 220 वीए इनपुट लेगा, मतलब ले सकता है 220 वीए, तो मैं मैक्सिमम की रेटेड कंडीशन निकाल रहा हूं कि रेटेड कंडीशन में कितना करंट लेगा ये, हालांकि रेटेड कंडीशन है नहीं फिलहाल, रेटेड लोड का मतलब है जी जो लोड लगाया वो भी कितने वीए का होना चाहिए 220 वीए का, लेकिन ये तो 60 वोल्ट का है, नहीं समझे, लोड रेटेड नहीं है तो अच्छी बात है, अगर रेटेड लोड नहीं, रेटेड से ज्यादा नहीं करना, बस आपको रेटेड से कम कर सकते वो अच्छी बात है, वो कोई बात नहीं, तो 220 वीए का ये रेटिंग है और ये भी 220 वीए का है, तो आप मुझे बताओ अंडर रेटेड कंडीशन यहां से कितना करंट जाएगा 220 वीए और 220 वोल्ट 1 एंपियर, और यहां से कितना जाएगा बताओ 18.33 एंपियर, और यहां से भी 18.33 एंपियर एंटर होगा 18.33, तो यहां से वापस क्या मिल जाएगा अपने को 1 एंपियर, मतलब ये अंडर रेटेड कंडीशन 1 एंपियर तक करंट दे सकता है, अंडर रेटेड कंडीशन ये 1 एंपियर तक का करंट दे सकता है 220 वोल्ट पे, अंडर रेटेड कंडीशन मैक्सिमम कितना करंट दे सकता है, मैक्सिमम तो हालांकि 1 से हल्का सा ज्यादा दे सकता है बट फिर भी लिमिट लेके चलो 1 एंपियर तक की, मतलब 220 वोल्ट तक, 220 वोल्ट पे ज्यादा से ज्यादा 1 एंपियर तक दे सकता है, मतलब कितनी पावर आउटपुट दे सकता है ज्यादा 220 वीए तक आउटपुट दे सकता है, 220 वोल्ट ले लो चलो रफली, क्योंकि आपका वीए का पता नहीं है तो 220 वोल्ट लेके चलो, ई टू आई इज पावर, ठीक है, तो 220 वोल्ट तक ये दे सकता है। अब आपने बल्ब जो लगाया वो कितने वोल्ट का है, इसको तो सिर्फ 60 वोल्ट चाहिए, मतलब इसको करंट देना चाहिए 220 वोल्ट पे 0.274, ये तो इजीली दे सकता है इसको, ये बोलेगा मैं रेटेड करंट मेरा 1 एंपियर है, मतलब रेटेड मैं 1 एंपियर तक दे सकता हूं, अगर आप उससे कम ले रहे हो कोई बात नहीं जी, मैं दे दूंगा आपको करंट कम दे दूंगा, लेकिन पिछले केस में क्या था, उसका तो रेटेड करंट ही 0.05 समथिंग कुछ था, इसको चाहिए ज्यादा था, वो प्रोवाइड नहीं कर सकता, ज्यादा नहीं प्रोवाइड कर सकता, कम ले लो, कम ले सकते हो ज्यादा नहीं प्रोवाइड करेगा, कम तो चाहे कितना भी ले लो, ठीक है, तो कुल मिला इस सिचुएशन में इसको चाहिए कम फुल ब्राइटनेस के लिए, ठीक है, और ये दे सकता है, ये अवेलेबल करा सकता है उस पावर को, तो इस केस में क्या होगा, ये फुल ब्राइटनेस पे चलेगा, समझा, जबकि वो जो ये वाला सिचुएशन था उसके लिए फुल ब्राइटनेस पे नहीं चलेगा, आप समझे मेरा पॉइंट, तो सारा फर्क कहां पे है, वीए रेटिंग का फर्क, ठीक है, वीए रेटिंग डिसाइड करती है कि कितनी पावर आउटपुट जाएगी, लोड डिसाइड नहीं करता, कहीं आप सोचे कि 60 वोल्ट का लोड लगा दिया तो 60 वोल्ट पावर अपने आप आउटपुट दे देगा, ट्रांसफार्मर नहीं देगा, ट्रांसफार्मर लोड के अकॉर्डिंग पावर नहीं देता आउटपुट, ठीक है, ट्रांसफार्मर की वी वोल्टेज और करंट रेटिंग जो होती है वो लोड के अकॉर्डिंग नहीं होती, ठीक है, वोल्टेज को कोई और चीज लिमिट करती है, वोल्टेज को कौन लिमिट करता है, अभी बताऊंगा, वोल्टेज को कोर लॉस लिमिट करते हैं,
ठीक है, और जो करंट होता है उसको ओमिक लॉस लिमिट करते हैं, ठीक है, वो हम देखेंगे। इसका मतलब ट्रांसफार्मर की जो करंट और वोल्टेज होता है वो लोड के अकॉर्डिंग नहीं होता, ठीक है, लोड को पे डिपेंड नहीं करता कि भाई इतना वोल्टेज होगा इतना करंट होगा, लोड पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है, उनका खुद का ही अपना हिसाब किताब होता है, अंदर की स्ट्रक्चर डिफाइन करता है, उसकी वायर की मोटाई होती है वो करंट को डिसाइड करती है, और जो कोर होती है वो किसको डिसाइड करती है, वोल्टेज रेटिंग को डिसाइड करती है, ठीक है, वो बताएंगे आगे ट्रांसफार्मर की रेटिंग में बताएंगे, एक टॉपिक पढ़ेंगे हम ट्रांसफार्मर रेटिंग, वीए की रेटिंग, ट्रांसफार्मर वीए में क्यों होता है, किलो वोल्ट में उसकी रेटिंग क्यों नहीं होती, ठीक है, वो चीज हम देखेंगे। बट फिलहाल आपको समझ आएगा बल्ब क्यों चला था, इस सिचुएशन में बल्ब क्यों चला था और उस सिचुएशन में बल्ब नहीं चला था, याद आपको। चलिए ये एक एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं। पहली एप्लीकेशन मैंने बताई थी कि ट्रांसफार्मर पावर को सेम रखता है, प्राइमरी और सेकेंडरी, मतलब जो इसकी वीए रेटिंग होती उतनी वीए इधर होगी तो उतनी वीए इधर होगी, अगर रेटेड कंडीशन में अगर आप इसको यूज कर रहे हो, अंडर रेटेड कंडीशन इधर की पावर और इधर की पावर सेम रहेगी। अच्छा, अगर रेटेड कंडीशन ना भी हो तब भी जितनी पावर यहाँ पे होगी उतनी पावर यहाँ पे मिल जाएगी, अगर आप लॉसेस को क्या करके चल रहे हो, नेग्लेक्ट करके चल रहे हो, ठीक है, मतलब पावर को इंप्रूव नहीं, पावर को इंक्रीज नहीं करता, डिक्रीज नहीं करता। अच्छा, इसका मतलब अगर यहाँ पे ज्यादा वोल्टेज है, मान लीजिए पावर कॉन्स्टेंट है प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी साइड पावर कॉन्स्टेंट है, इसका मतलब वोल्टेज और करंट का जो प्रोडक्ट है वो क्या है, कॉन्स्टेंट है, वी इंटू आई क्या है, कॉन्स्टेंट है, ठीक है, इसका मतलब जिस साइड वी ज्यादा होगा उस साइड आई क्या होगा, कम होगा, और जिस साइड वी कम होगा उस साइड क्या होगा, आई ज्यादा होगा, रेटेड करंट ज्यादा होगा उस साइड। इसका मतलब जो वी वन अपॉन वी टू का जो रेशियो होता है वो उल्टा रेशियो होता है, किसका, आई टू बाई आई होता है, क्यों, क्योंकि वोल्टेज ज्यादा तो करंट कम होना चाहिए, मतलब एक दूसरे के इनवर्स हो गए, तो वी वन अपॉन वी टू जो आएगा वो आई टू बाई आई बनाएगा। आप देखो ना, प्राइमरी साइड V1 into I1 करंट है और सेकेंडरी साइड V2 into I2 करंट है, पावर बराबर है दोनों तरफ, तो V1 upon V2 equal to क्या बनेगा, I2 by I1, ठीक है, I2 by I1, और ये मैं जानता हूँ क्या होता है, N1 by N2। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर मैं सोचूं, मान लीजिए जरा देख, मान लीजिए इधर है मेरी टर्न, ये 12 का नहीं है, अब एक बार जरा मैं इसको रब कर रहा हूँ, देखिएगा, अगर मैं मान के चलूं क्या कि इधर की टर्न मेरी 100 है और इधर की टर्न 10 है, तो आप बताओ V1 इधर की वोल्टेज और V2 इधर की वोल्टेज, V1 और V2 क्या आएगा, 100 by 10, माने 10, इसका मतलब V1 is equal to 10 times of V2, या फिर आप कह सकते हो V2 equal to V1 by 10, मतलब इधर की वोल्टेज इधर वाली वोल्टेज है 10 times क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो करंट क्या हो जाएगा फिर, 10 times बढ़ जाएगा। इसका मतलब ट्रांसफार्मर क्या करता है, या तो वोल्टेज को स्टेप अप डाउन, स्टेप डाउन कर रहा है तो करंट को क्या करेगा, स्टेप अप कर देगा, और अगर मान लीजिए वोल्टेज को स्टेप डाउन कर रहा है तो नहीं, स्टेप अप कर रहा है तो करंट को स्टेप डाउन कर देगा, समझा, तो ट्रांसफार्मर इसलिए यूज होता है कि स्टेप डाउन कर, या तो वोल्टेज को डाउन करने के लिए या राइज करने के लिए, लेकिन अगर वोल्टेज डाउन करोगे तो करंट अपने आप राइज हो जाएगा। करंट राइज होने का क्या मतलब है, ऐसा नहीं कि करंट ज्यादा देगा, आगे दे सकता है और देगा, दोनों में फर्क है, दे सकता है क्या मतलब है, वो तब दे सकता है, देगा जब उससे डिमांड होगी, दे सकता है, इसका मतलब ये मिला, ये मीनिंग है उसका, भाई मैं दे सकता हूँ बट मैं दे नहीं रहा हूँ, बिकॉज ले नहीं रहा कोई बंदे, कोई जो सामने वाला जो लोड है मेरे पे, जो लोड लगा हुआ वो उससे मुझसे उतना करंट ले ही नहीं रहा, बट मैं दे सकता हूँ, मेरे पास इतनी काबिलियत है, तो ट्रांसफार्मर के पास काबिलियत होगी कि इधर की वोल्टेज दूसरे अगर डाउन कर दी तो करंट को ज्यादा दे सकता है, और देगा कब, जब उससे लिया जाएगा, डिमांड होगी तब लेगा, देगा नहीं जब, बट वो दे सकता है, वोल्टेज जिधर डाउन होगी उधर करंट को ज्यादा दे सकता है, और जिधर वोल्टेज ज्यादा उधर का करंट क्या होगा, कम होगा, ठीक है, तो इसका मतलब अगर वोल्टेज स्टेप अप हो रही है तो करंट स्टेप डाउन करेगा, वो अगर स्टेप अप वोल्टेज है, मैं सीधा अगर मैं ये बोलूं ट्रांसफार्मर इज स्टेपिंग अप, मतलब स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर किसके साथ रिलेट करता है, वोल्टेज के साथ, करंट के साथ, इसका मतलब वो वोल्टेज को स्टेप अप कर रहा है, माने करंट को क्या कर रहा है, वो स्टेप डाउन कर रहा है, तो ट्रांसफार्मर इज यूज्ड फॉर स्टेपिंग अप और स्टेपिंग डाउन, स्टेप अप करना तो वोल्टेज को, स्टेप अप वोल्टेज हो रहा तो करंट क्या हो जाएगा अपने आप, स्टेप डाउन हो जाएगा, कोई डाउट तो नहीं, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जरा देखते हैं, अब जरा देखिए एक और इंटरेस्टिंग इसकी प्रॉपर्टी समझा, और वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है, देखिए और उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखते हैं, उसका क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, देखिए इसका क्या एप्लीकेशन है, वो जरा देखिए,
पहले तो जरा देख एक चीज नहीं समझाता, मेरे पास ये ट्रांसफॉर्मर है, ध्यान से देखिएगा, सुनो यार, हाँ जी देखिए यहां पे N2 टर्न्स है और यहां पे मैंने कोई रेजिस्टर लगा दिया R और करंट I2 जा रहा है और यहां की वोल्टेज है E2, ठीक है, यहां की वोल्टेज है E2 और यहां पे मेरी N1 टर्न्स है, यहां पे करंट I1 आ रहा है और यह है E1, यहां की वोल्टेज है E1, तो ये VT भी E1 के बराबर होगा, क्या कहते हैं, आइडियल मान के चल रहा, ठीक है, आइडियल मान के चल, कोई लॉसेस नहीं मान के चल रहा। तो सुनिए, मुझे चाहिए VT अपॉन I1, मैं देखना चाहता हूं मुझे यहां से कितना रेजिस्टेंस नजर आएगा, मैं देखना चाहता हूं इस सोर्स को कितना रेजिस्टेंस नजर आएगा, मतलब VT अपॉन I1 मैं ये निकालना चाहता हूं, या RMS वाली ले लो, चलो इसकी मैं भी I1T ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता यार, उससे V अपॉन I निकालना चाहता हूं, इसको V लिख लो, V अपॉन I1 निकालना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं कि कितना आगे का रेजिस्टेंस मुझे नजर आएगा, ठीक है, ये RMS वैल्यू है, तो RMS निकालो चाहे मैक्सिमम वैल्यू वेरिएशन ले लो, इंस्टेंटेनियस वैल्यू वेरिएशन ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसे, ठीक है, तो मैं देखना चाहता हूं कि कितना मुझे इसको रेजिस्टेंस नजर आएगा, ठीक है, ये रेजिस्टेंस कितना नजर आएगा ये मुझे चेक करना, तो V अपॉन I1 चाहिए मुझे, V अपॉन I1, V इज इक्वल टू क्या है, E1, तो बेसिकली मुझे क्या चाहिए, E1 अपॉन I1 चाहिए, ये मुझे वैल्यू निकालनी है, मतलब इस साइड से कितना रेजिस्टेंस मुझे नजर आएगा अगर मैं रेजिस्टेंस सेकेंडरी साइड लगा दूं तो, ठीक है, रेजिस्टेंस जरूरी नहीं है, आप कोई जेड ले लो, कोई नॉट मतलब जनरलाइज ले लो, कोई भी जेड, आर ले लो तो आर से आ जाएगा, जेड लोगे तो जेड से आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसे, दोनों से आंसर वही आने वाला है, जरा चेक कर देखिए आप, तो मेरे पास ये जेड लगा हुआ, ठीक है, और मैं देख रहा हूँ इधर से कितना मुझे इंपीडेंस नजर आएगा, ठीक है, तो मैंने बोला इधर से कितना नजर आ रहा है, E2 और I2 क्या है, जेड है, ये तो मैं जानता हूँ, बिकॉज इसके अक्रॉस वोल्टेज E2 है और करंट I2 जा रहा है, तो E2 अपॉन I2 इज इक्वल टू क्या है, बताओ कितना है, जेड, ये तो मुझे पता है यहाँ से, बिकॉज यहाँ पे E2 है और करंट कितना जा रहा है, I2, तो E2 अपॉन I2 क्या आएगा, जेड, ठीक है, एक मिनट रुक जाओ भाई, आपका कोई 5 मिनट बात कर लो, ठीक है, मैं तब तक आता हूँ, ठीक है, इसको आप बंद कर दो, 5 मिनट।